अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हरिया से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए टोयोटा करोला 2007 मॉडल की वायरिंग डायग्राम के बारे में डिस्कस करूँगा और वायरिंग के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रहा है, ये ECM की ग्रिप और पिने हैं। एक नंबर, दो नंबर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और ये कलर कोड है इनके वायरिंग। इस डायग्राम में सब कलर मेंशन किए हुए हैं। नंबर वन ब्लैक, नंबर टू एम्प्टी है, नंबर थ्री रेड एंड वाइट, नंबर फोर ग्रे, नंबर फाइव ब्लैक, ऐसे ही तमाम नीचे तक पिन की कलर कोड लिखे हुए हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं हम। एयर फ्यूल रेशो सेंसर है और जिसे हम ऑक्सीजन सेंसर भी कहते हैं। इसकी चार तारें हैं, वाइट ब्लैक पिंक ब्लैक। दो ब्लैक हैं, एक पिंक है और एक वाइट है। ये जो वाइट है, वाइट वायर है, ये जा रही है सीधा ECM में 31 नंबर पे। चार नंबर वायर है वाइट, तीन नंबर वायर ब्लैक, ये भी जा रही है डायरेक्ट ECM पे 23 नंबर पिन पे। पिंक नंबर एक है, ये जा रही है ECM पे 5 नंबर पे। उसके बाद जो दो नंबर है पॉजिटिव स्विच की करंट, ये इग्निशन का आगे कनेक्टर है, वो दूसरे पेज पे है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये चार तीन वायर तो जा रही हैं ECM में, ये चौथी करंट की है इग्निशन स्विच। ये क्रंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है। इसकी एक वायर ब्लैक जो कि जा रही है ECM में 25 नंबर पिन पे, 5 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट आते हैं। और दूसरी वाइड आउटपुट सिग्नल है, ये भी जा रही है डैशबोर्ड के नीचे में भी ग्रिप है उससे होते हुए, ये भी 33 नंबर पिन पे जाके मिलेगी ECM पे सिग्नल देगी। उसके बाद केम शेफर्ड पोजीशन आ जाता है। केम शेफर्ड की ये जो एक नंबर ब्लैक वायर है, ये जा रही है सीधा ECM की पिन नंबर 24 पे, इस पे भी 5 वोल्ट आता है। और ये जो दो नंबर वायर है वाइट, ये भी जा रही है उसी केम शेफर्ड वाले कनेक्टर में। आगे आ जाता है जंक्शन ग्रिप, जंक्शन कनेक्टर है ये ब्राउन। उस
उसके बाद ऑक्सीजन सेंसर, बैंक वन, सेंसर टू। इसकी 4 नंबर और 2 नंबर वायर जा रही है ECM पे, पिंक और वाइट। पिंक जा रही है पिंक एंड ब्लैक पिन नंबर 21 पे, और जो वाइट है वो जा रही है पिन नंबर 29 पे, ब्लैक पिंक 21 पे, और जो है वाइट वो 29 पे, पिंक एंड ब्लैक 21 पे और वाइट जा रही है 29 नंबर पिन पे। आप लोगों से एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो दूसरे लोगों तक जाए और हमें भी इसका कुछ फ़ायदा हो। आगे इसके वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए बताना मुश्किल है, और वीडियो शॉर्ट शॉर्ट बनाऊंगा आगे भी इंशाल्लाह। इंजन के सेंसर वायरिंग, कोयलों की वायरिंग, इग्निशन कोयल की वायरिंग किधर से किधर जा रही है, इंजेक्टर की वायरिंग किधर से किधर जा रही है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बनाने की। अभी तो ये मैंने स्टार्ट किया है, अगर मुझे रिस्पांस मिला तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पहले ये हम देखेंगे कि इस पर क्या, इसकी क्या सूरत हाल है। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़, मुझे दें इजाज़त।